यहाँ पर पिछले हफ्ते हमें नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया था, वो भी पुलिस फोर्स जो बुलाकर। हमारी नौकरी को 10 साल हो चुके हैं, जिसमें इस नौकरी, ये सरकारी नौकरी है, हम कोई प्राइवेट ठेकेदार का नौकर नहीं थे, सरकारी नौकरी है। बाकायदा इंटरव्यू टेस्ट देकर, बाकायदा हमारे सारे जितने भी जो वेरिफिकेशन जो भी हो, ये फॉर्मेलिटी सरकारी नौकरी के लिए होती है, वो हम अपनी पूरी नौकरी पूरी कंप्लीट करके यहाँ पे नौकरी पे आए थे। 4 साल बाद हमें ये बोल के निकाल दिया गया कि भैया पूरी नौकरी में जो भर्ती प्रक्रिया है वो गलत हुई है। भर्ती प्रक्रिया हमने नहीं की है, भर्ती प्रक्रिया हमारे जो अफसर है उन्होंने की है। पर जब वो लोग, उन पर कोई चार्जशीट नहीं है, उन पर कोई भी कार्रवाई नहीं की गई है, वो बिल्कुल क्लीन चिट है, उन पर किसी पर भी कोई भी एलिगेशन नहीं लगाया गया है, उसके बावजूद हमें निकाल दिया गया। हम न्यायालय में गए, न्यायालय में भी हमारी मांग को दबा दिया गया, या वो क्योंकि पूरे प्रकार जो भर्ती प्रक्रिया है उसमें हमारे बड़े बड़े अफसर फंस रहे हैं। इस प्रक्रिया में उन्होंने अपने बचाव के लिए हमारे जो मजदूर लोग हैं उन पर अत्याचार करके न्यायालय में भी प्रेशर डलवा के हमें वहाँ से भी न्यायालय से भी न्याय नहीं प्राप्त करने दिया। अब दोबारा क्यों निकाल दिया क्या? दोबारा हमारे को ये बोल के निकाल दिया है कि भैया सुप्रीम कोर्ट भी तक हम जा चुके हैं, वहाँ में भी हमारे को न्याय नहीं मिला है। उसके ब्याह पे आज हमारे 10 साल के हमारी नौकरी के बाद हमें 8 तारीख को सुबह यहाँ पर पुलिस फोर्स बुलाकर हमें नौकरी से बाहर निकाल दिया गया है। क्या नोटिस दिया गया है? कोई नोटिस इशू नहीं किया गया। 6 तारीख तक हमने ड्यूटी की है, हमारी हाजिरी अंदर मौजूद है। 8 तारीख को सुबह पुलिस फोर्स के द्वारा, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के रूल में भी नहीं है, टर्मिनेशन रूल भी कहता है। आपकी मांगे नहीं मानेंगी तो आगे किस तरीके? अगर हमारी मांगे नहीं मानेंगे तो हम आगे भैया भूख हड़ताल तक, जो हमारे को नौकरी चाहिए हमारे को, हम उसके लिए आज करते हैं। हम किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार हैं अगर हमारी मांगे पूरी नहीं की गई, क्योंकि हमें नौकरी चाहिए। हम आज 10 साल के बाद कहाँ जाएंगे, अपने बीवी बच्चों को लेकर सड़क पर आ चुके हैं, क्योंकि हमारा पूरा परिवार एक सेटल हो चुका है इस नौकरी के भरोसे में। हमें नहीं पता था कि यहाँ पर ऐसा होगा, जब हम जवान थे तब हम इस नौकरी पर आए थे। आज 10 साल के बाद आज हम नौकरी के लिए हम कहाँ जाएँ, कहाँ भटके? और वो हमें बोलते हैं कि भैया अब हम कभी भर्ती निकालेंगे तो आपको नौकरी देंगे। जब इन्होंने 12 प्रेसों में से 5 प्रेस बंद कर दी है, 17 प्रेसों में से भी 5 प्रेस रखी है, तो उनमें कब भर्ती खुलेगी, कब हम नौकरी पे आएंगे, कब हमारे को कुछ होगा? हमें कभी भी नौकरी मिलने का साथ नहीं है, इसलिए हम चाहते हैं कि हमें दोबारा उसी नौकरी पे वापस रखा जाए, क्योंकि यही हमारी मांग है। और इसके लिए हम आने वाले समय में आमरण अनशन तक इसके लिए बैठेंगे, ये हमारी मांगे है, अगर हमारी मांगे पूरी नहीं की गई।